SP9 न्यूज में आपका स्वागत है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर उत्तरकाशी टनल में फंसे मजदूरों को लेकर आ रही है। दरअसल 10 दिन से लगातार जहां मजदूरों का रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है, उस दौरान कोई राहत भरी खबर सामने नहीं आई थी, लेकिन अचानक मजदूरों को लेकर एक टनल के अंदर का वीडियो सामने आया है जो कहीं ना कहीं राहत देता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल आपको बता दें कि उत्तरकाशी के सिलकियारा टनल में फंसे 41 मजदूरों की पहली बार तस्वीरें सामने आई हैं। इन विजुअल के माध्यम से इन तस्वीरों को आप देख भी रहे होंगे जिसमें टनल में फंसे मजदूर दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि सुरंग के अंदर मलबे में से एक 6 इंच चौड़ी पाइपलाइन डाली गई है जिसमें बड़ी मात्रा में खाना भेजा गया था। इस दौरान अंदर फंसे मजदूरों की भी तस्वीरें अब साफ तौर पर दिखाई दे रही हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि मजदूर सुरंग में किन हालातों में रह रहे हैं। इस दौरान उनसे वॉकी टॉकी के जरिए बातचीत भी की गई। आपको बता दें कि इन तस्वीरों के बाद सुर्खियां बन चुकी हैं कि अब जल्दी मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा। आपको बता दें कि 10 दिन पूरे हो चुके हैं, मजदूरों को लेकर कोई बड़ी खबर सामने नहीं आ रही थी और यहां पर अमेरिका से लाई गई मशीन भी खराब हो गई थी और मजदूरों के परिजनों का गुस्सा फूटता हुआ सरकार पर नजर आ रहा था। साफ तौर पर उनका ये कहना था कि हमारी जमीन ले लो, हमारे बेटे को रिहा कर दो, हमारे बेटे को टनल से बाहर निकाल दो। बड़ी मांग यहां पर परिजन करते हुए नजर आ रहे थे। कई दुखद खबरें भी सामने आई थी जहां पर कई ऐसे बयान, कई ऐसी बातों का जिक्र हुआ जिससे तमाम लोग भावुक होते हुए भी नजर आए। बीते दिन आपको बता दें कि सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी टनल के बाहर पहुंचे थे, जायजा लिया था और तुरंत यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी लाने की बात करते हुए दिखाई दिए थे। अब आपको बता दें कि ये तस्वीरें राहत देती हैं कि जल्द ही इस तस्वीरों के माध्यम से कोई बड़ा कदम यहां पर उठाया जाएगा और इन 41 मजदूरों को जल्द ही बाहर निकाल लिया जाएगा।